हेलो फ्रेंड्स, और अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यह है कॉन्सर्ट हॉल और मैं म्यूज़ियम स्क्वायर पे एम्स्टरडैम के में खड़ा हुआ हूँ। और ये जो मेरे पीछे पार्क है यह है वॉन्डोल पार्क, और जो हमारा होटल है वो इस कॉन्सर्ट हॉल के पीछे ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये म्यूज़ियम स्क्वायर का कुछ शेयर कराता हूँ। एम्स्टरडैम का कॉन्सर्ट हॉल इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सर्ट हॉल ऑफ द वर्ल्ड। ये काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बड़ा है और अंदर से भी देखने में बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और अब जैसे ही कॉन्सर्ट हॉल से थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको एक और फेमस म्यूज़ियम देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्टेडलिट म्यूज़ियम, जो यहाँ से कुछ ही दूरी के, और ये जो बिल्डिंग आपको बाथरूम टब शेप दिख रही है यही है वो म्यूज़ियम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये म्यूज़ियम बेसिकली मॉडर्न आर्ट और कंटेम्पररी आर्ट के वो डेडिकेटेड है, और यहाँ पर आप आके सारे मॉडर्न आर्ट्स रिलेटेड आर्टिक्स देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम का एंट्री टिकट 18.5 यूरोस है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के बहुत ही फेमस पेंटर के म्यूज़ियम में, जो इस म्यूज़ियम के बहुत ही पास है। आप लगाइए नेक्स्ट म्यूज़ियम वही है। इस म्यूज़ियम का नाम है वैंगॉन म्यूज़ियम। बेसिकली ये वैंगॉन का घर था जिसको बाद में एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया, और यहाँ पर आप सारी पेंटिंग देख सकते हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ मोको म्यूज़ियम। मोको म्यूज़ियम एक इंडिपेंडेंट म्यूज़ियम है जहाँ पर मॉडर्न आर्ट और कंटेम्पररी आर्ट की एग्जीबिशंस लगती है। जब मैं यहाँ पर आया था तब कुछ इस प्रकार की एग्जीबिशन लगी थी, और आप भी इन्हें देख सकते हैं और मेरे साथ इनका आनंद ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। और अब मैं आपको इस पार्क का 360 व्यू दिखाता हूँ। इस पार्क के चारों तरफ म्यूज़ियम ही म्यूज़ियम है, दैट्स व्हाई इस स्क्वायर को म्यूज़ियम स्क्वायर कहा जाता है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का बहुत फेमस म्यूज़ियम है, रैक्स म्यूज़ियम। ये यहाँ का डच नेशनल म्यूज़ियम है और ये म्यूज़ियम स्क्वायर में लोकेटेड है। ये म्यूज़ियम एम्स्टरडैम की हिस्ट्री और आर्ट को डेडिकेटेड है। पहले ये म्यूज़ियम हेग में खोला गया था और बाद में इसे हेग से मूव करके एम्स्टरडैम में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। इस म्यूज़ियम की टिकट 20 यूरोस है, और आप इसे ये सामने देख रहे हैं इस शॉप से खरीद सकते हैं, और यहाँ पर आप काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्स भी क्लिक करा सकते हैं। म्यूज़ियम के बाहर बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, और चलते हैं इस गार्डन का एक राउंड लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये
कितना खूबसूरत है। और अब विकास का बोरिंग म्यूजियम टूर खत्म हो चुका है और अब आप मेरे साथ घूमे कैनाल टूर पे। और आपको पता ही है एम्स्टरडैम इज फेमस फॉर द कैनाल्स। क्या आपको पता है एम्स्टरडैम को वेनिस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है, डायमंड कैपिटल भी कहा जाता है और सिटी ऑफ 100 कैनाल्स भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड के बाद मेरी जो ड्रीम डेस्टिनेशन और जो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन थी वो एम्स्टरडैम। मैंने मूवीज़ में बहुत देखा था ये कैनाल्स, ब्यूटीफुल सिटी, और आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं दिस ब्यूटीफुल सिटी। Dutch people are fitness freak. That's why they are using cycles. They are using cycle while going to office, shopping. और हमने यहाँ पे इतनी cycles देखी, maximum लोग यहाँ पे cycle में ही travel करते हैं। तभी लिए आपने ये देखा होगा canal के पास बहुत सारी cycle park हैं। और यहाँ पे cycle के लिए एक अलग path बना रखा है। But make sure आप अगर आप भी travel कर रहे हैं और आप walk कर रहे हैं तो वो उस path को cross ना करें, थोड़ा distance में चलें। और अगर आप उस पाथ पे चलते हैं तो अगर आपके सामने से कोई साइकिल आ रही है तो प्लीज़ उन साइकिल वाले को जगह दे जाने के लिए। और अब हो चुकी है रात, और रात को एम्स्टरडैम एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है रेड लाइट एरिया। तो हमारे साथ बने रहें और वहाँ पे भी फन करें। आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर भरपूर मसाला है। आप यहाँ पर लाइव सेक शो देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी शेक शॉप्स है, स्ट्रिप्स क्लब है, पीप शोज़ है और कैबरेज भी है।
यहाँ पर सब कुछ है आपके एंजॉयमेंट के लिए। अगर आपको हमारा ये YouTube वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।